हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा ट्रेवल्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो आज बात करेंगे इंडिया का जो होटल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अभी अभी अगर आप देखेंगे, कोरोना का जो टेंशन था अभी थोड़ा दूर हुआ है, तो बहुत सारे कंट्री अभी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, वीसा प्रोसेसिंग कर रहा है, तो इंडिया भी इससे पीछे नहीं है। आपको जैसे कि पता है, इंडिया जो कंट्री है, ये हेरिटेज में बहुत सारा हेरिटेज इंडिया में है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो कि बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो इंडिया भी डिक्लेयर किया है, हमारा जो मिनिस्ट्री डिक्लेयर किया है कि 15 अक्टूबर से जो भी फॉरेनर वीसा, जो भी विजिटर वीसा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। तो इसका जो इफेक्ट रहेगा इंडिया का जो होटल इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला है आगे इंडियन इंडस्ट्री। क्योंकि ये जो होटल इंडस्ट्री बहुत मतलब खराब परफॉर्मेंस रहा था कोरोना का टाइम में, लगभग बहुत गिरावट हुआ था स्टॉक्स में। तो अभी हम बात करेंगे इस टाइप का कुछ स्टॉक्स के बारे में। मैं आपको 3 होटल स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, इसका टेक्निकल भी आपको बताऊंगा, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो अगले 1-2 साल में आप यहाँ से बहुत ही 4x 5x का जो रिटर्न आपको मिल सकता है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हम टेक्निकल पे ही काम करते हैं, न्यूज़ में ज़्यादा काम नहीं करते। हमारा टेक्निकल पहले मूव करेगा, इसके बाद आपको न्यूज आएगा। तो ऑलरेडी मैं 3 होटल जो बारे में आपको बोलने वाला हूँ, 1-2 होटल का मैं टारगेट दिया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक टारगेट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट होटल जो रहेगा आपका इंडस्ट्री जो रहेगा, इंडियन होटल। तो इंडियन होटल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इंडियन होटल जो है, वो इसका जो पैरेंट ग्रुप है, पैरेंट कंपनी है, वो टाटा का ही है। तो टाटा ग्रुप का ही कंपनी है इंडियन होटल, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो इंडियन होटल का अगर आप टारगेट देखेंगे, अभी मैं जैसे आपको बोला था कि 200 पे आपको बाय करना था, तो जो लोग 200 पे बाय किए थे, बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। मतलब 216-17 तक मार्केट 3-4 दिन में मूवमेंट दिया है। तो इसका जो फास्ट टारगेट आपका रहेगा, देखिए मैं ब्लू लाइन ड्रा करके रखा हूँ आपके सामने। तो फास्ट टारगेट इसका रहेगा 235 का, तो इसको होल्ड करके रखिए। तो इसके बाद जो टारगेट इसका आता है वो रहेगा 262, और थर्ड टारगेट जो इसका रहेगा 308। तो ये जो टाइम फ्रेम रहेगा आपका, मिनिमम 1 साल आपको लग सकता है, लेकिन ये 238 का टारगेट जो है वो बहुत जल्द आपका 1 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा, और 262 के लिए आपको 3-4 महीना वेट करना पड़ सकता है। अगर मार्केट 100% बुलिश रहता है तो ये वाला जो टारगेट आपको इमीडिएटली भी अचीव हो सकता है, क्योंकि मैं अभी 1 डे चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो इंडियन होटल का बहुत ही अच्छा टारगेट है आगे, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर आप बाय किए हैं तो बाय कर सकते हैं, नहीं किए तो कर सकते हैं। अगर बाय करके रखे हैं तो डेफिनेटली इसको आप बाय करके रखिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया फास्ट होटल। और मैं एक छोटा सा होटल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, लेमन ट्री जो होटल, मैं आपको पहले से ही इसका टारगेट दिया था, 41 से भी बाय कर दिया था आप लोगों को। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको 1 वीक का चार्ट में आपको एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी मार्केट जो है, ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, इसको ब्रेक किया है, और इसके बाद यहाँ से एक रिट्रेस भी हुआ है मार्केट। तो आपका यहाँ पे फास्ट टारगेट बहुत ही जल्दी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ में आपको जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा लेमन ट्री में, 65 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट में है मार्केट, तो डेफिनेटली ये 64 या 65 का टारगेट को अचीव करेगा। और इसके बाद अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम अगर आप 6 महीना 1 साल वेट कर सकते हैं इसमें, तो मार्केट यहाँ पे 90 को क्रॉस करते हुए भी नजर आएगा आपको। बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखिए। बहुत ही छोटा प्राइस भी मिल रहा है अभी लेमन ट्री का जो स्टॉक्स, तो इसको आप बाय करके रखिए। आगे जाके ये धमाका करने वाला है, 90 का टारगेट बहुत जल्दी आपको अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट करके रखिए, 65 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, इसको ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली आप 85 या 90 का टारगेट को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके रखिए, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको मूवमेंट देगा होटल इंडस्ट्री में। और एक मैं जो इंडस्ट्री चूज करके रखा हूँ, होटल ग्रुप चूज करके रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद EIH होटल, इथियाड होटल। तो इथियाड होटल देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा ग्रुप है ये, ओबरे ग्रुप का है। तो EIH होटल का अगर आप टारगेट यहाँ पे देखेंगे, मैं 1 डे चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो 1 डे चार्ट में अगर इसको देखेंगे, मार्केट बहुत ही बुलिश है इसका,
तो ऑनलाइन मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्मेशन हुआ है, तो जैसे ही ये ट्रायंगल ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट इसका मैं यहाँ पे रखा हूँ 147.5। अगर आप सेफ एंट्री करना चाहते हैं तो 147.5 या 148 में इसको बाय करके रखिए, तो ये बहुत ही जल्दी आपको 170 का टारगेट आपको दे देगा। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके रखिए। तो ये तीन होटल में आपको जैसे बोला, आपको एक रहेगा आपका इंडियन होटल, दूसरा रहेगा आपका लेमन ट्री और तीसरा रहेगा आपका इथियार होटल। तो ये तीन होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त आगे मूवमेंट होने वाला है। आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके रखिए, आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट, 2-3 फोल्ड का प्रॉफिट आपको देखने को मिल भी सकता है अगले 1 या 2 साल में। तो ये जो टारगेट मैं बताया हूँ, इमीडिएट टारगेट बताया हूँ, जो कि आपका 6 महीना से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल में ये अचीव हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखिए, आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, और अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि डेली बेसिस में आपको इंट्राडे कॉल और वीकली बेसिस में आपको बहुत सारा स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको फॉरेक्स का भी बहुत सारा कॉल मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।